हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपनी 2.5 के 11 क्वेश्चनों की बात करी। अब हम इसका 12 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्यापित करना है x³ + y³ + z³ - 3xyz इस पूरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब एक बार इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z (x²) + y² + z² - xy - yz - zx। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहां पर हमें x + y + z चाहिए, ये तो हमारे पास आ गया, और इसमें क्या लिखें यहां पर 1/2। तो क्या करते हैं, इसको 2 से ही भाग दे लेते हैं और 2 से इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 से भाग व गुणा करने पर, 2 से भाग व गुणा करने पर 1/2, 2 से भाग दे दिया x + y + z, 2 से इसको गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x² + 2y² + 2z² - 2xy - 2yz - 2zx। अब यहां पर x माइनस y की होल स्क्वायर है, इसका अर्थ यही होगा इसका फॉर्मूला x² - 2xy + y², ये होगा। x² भी है हमारे पास, y² भी है, तो इनको दो बार हमें तोड़ के लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसको, 1/2 x + y + z x² + x² 2x² ही होगी, y² + y² 2y² z² + z² - 2xy - 2yz - 2zx। तो अब देखो यहां पर एक तो x माइनस y की होल स्क्वायर बनानी है, तो x y और 2xy इनको साथ साथ लिख लेते हैं। तो 1/2 x + y + z (x²) - 2xy + y² इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको। फिर प्लस में y माइनस z की होल स्क्वायर बनानी है, तो y² - 2yz + z². अब z माइनस x की होल स्क्वायर, तो z² - 2zx और प्लस में x की स्क्वायर। देखो यहां पर x² एक x² ये रहा, 2x² हो गए, y² - 2y² z² - 2z² - 2xy - 2yz - 2zx इसको लिखा है। तो यहां पर ये कितना आ गया, 1/2 x + y + z (x²) - 2xy + y² इसका फॉर्मूला होता है x - y² की होल स्क्वायर। फिर प्लस ये किसका फॉर्मूला बन गया, y - z की होल स्क्वायर और प्लस में z - x की होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है, तो इक्वल भी क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + y + z = 0 के, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, x + y + z हमारा 0 के इक्वल है। तो देखो यहां पर यदि x + y + z = 0 के, तो हमें प्रूव करना है x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले यहां पर x³ + y³ + z³ - 3xyz इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z (x²) + y² + z² - xy - yz - zx।
x plus y plus z किसके इक्वल है, जीरो के, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस साइड क्या कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब जीरो का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल क्या आ गया, जीरो। अब यहां पर उस साइड लेके आए हैं थ्री एक्स वाई जेड, ये माइनस के उस साइड प्लस के, तो क्या आ जाएगा यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल है थ्री एक्स वाई जेड। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल है थ्री एक्स वाई जेड, और ये फॉर्मूला भी हमें कई जगह काम देगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनों का परिकलन किए बिना, वो कहता है इनका परिकलन यानी प्रसार नहीं करना आपने, किए बिना इनके मान ज्ञात करने। तो देखो यहां पर चौधरी का फर्स्ट सेकंड खुद करोगे, फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पे इसके लिए माइनस 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ये देखे, देखो ये लिख सकते हैं, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल भी क्या है थ्री एक्स वाई जेड, तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं क्योंकि इसका परिकलन नहीं करना। तो एक्स की जगह लिखे माइनस 12, वाई की जगह 7 और जेड की जगह 5, तो थ्री एक्स वाई जेड, ये प्रयोग करते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 12 इंटू वाई की वैल्यू 7 इंटू जेड की वैल्यू 5, गुणा कर लेते हैं 7 इंटू 5 35, 35 दूरी 70 इंटू माइनस की 12, तो माइनस 12 7 84 माइनस की कितने आ गया 840। उसने कहा इन घनों को खोलना नहीं है, परिकलन नहीं करना है, सिर्फ इसका मान करना है, तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करोगे। इसका सेकंड इसी प्रकार से ही करोगे। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, आयत देखते हैं, इसके भी दो पार्ट हैं, इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे। तो देखो यहां पर इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतों का हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल दे रखा है संभावित लंबाई और चौड़ाई। तो क्या दिया, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस में 12 प्लस में 12। अब देखो इसके हमें बताने क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो यहां पर इसके पहले टुकड़े कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं 25 इंटू 12, तो ये कितने हो गए 25 तो 50 और 25 और 5 की 300 गुणा करने पर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 35। तो देखो इसके टुकड़े करते जाते हैं, 15 दूंगे 30, 15 और 20 हो जाएंगी ये 35, माइनस के ले लेंगे दोनों। ठीक है, तो सिंपल ही है इसके टुकड़े, तो क्या हो गए 15 और 20। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं इसमें 25 ए स्क्वायर माइनस 15 ए माइनस 20 ए प्लस में 12, 25 ए स्क्वायर माइनस 15 ए माइनस 20 ए प्लस 12। इसमें से अगर देखें यहां पर कॉमन क्या है, 20 यहां लिख लेते हैं क्योंकि इसमें से फिर 5 कॉमन आ जाएगा, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो 5 और 3 पड़ेगा, यहां पर अलग बनेगा, तो यहां पर क्या लिख लेते हैं 20 ए और यहां पे क्या लिख लेंगे 15। अब इस इतने में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 का भाग जा रहा है दोनों में, एक तो आ गया 5, ए भी आ रहा है दोनों के साथ, तो ए ब्रैकेट में क्या रहेगा 5 इंटू 5 25, ए की स्क्वायर है ए बार कॉमन आ गया तो यहां कितना आ जाएगा 5 ए माइनस ए से कैंसिल 5 इंटू 4 20, फिर माइनस इसमें से कॉमन क्या लेंगे
तीन का भाग जा रहा है दोनों में, तो तीन इंटू पांच पंद्रह, फिर माइनस प्लस माइनस चार। अब पूरे में से कॉमन क्या गया, पांच ए माइनस चार, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, पांच ए माइनस तीन। ये लंबाई इंटू चौड़ाई इस प्रकार से होता है। तो संभावित लंबाई हमारे पास आयत की क्या रहेगी, संभावित लंबाई पांच ए माइनस चार और संभावित चौड़ाई पांच ए माइनस तीन। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो इसके उसके बाद में टुकड़े कर लिए, तो लंबाई ये संभावित, ये हो सकती है लंबाई और संभावित चौड़ाई क्या हो सकती है, ये पांच ए माइनस तीन। तो इसका सेकंड पार्ट स्वयं करोगे पंद्रह का। सोलह क्वेश्चन घनाभ दिए हैं जिनके आयतन दिए हुए हैं, घनाभ के आयतन दिए हुए हैं, इसके लिए भी हमें संभव व्यंजक बताने। घनाभ में क्या आते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ में क्या आता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन दे रखा है उसने, आयतन दिया हुआ है इसमें तीन एक्स की स्केयर माइनस बारह एक्स, तीन एक्स की स्केयर माइनस बारह एक्स। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तीन और एक्स भी आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रहेंगे यहां पर, एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो संभावित लंबाई, संभावित लंबाई कितनी हो जाएगी, तीन, संभावित चौड़ाई स्मॉल एक्स और संभावित ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, एक्स माइनस क्या। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, क्या किया उसमें, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या कर लोगे, 12 के वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6 के वाई माइनस 20। आयतन दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लोगे, कॉमन क्या है, कॉमन लेने के बाद इसके क्या कर लोगे, टुकड़े। कॉमन लेने के बाद इसके क्या करोगे, टुकड़े कर लोगे गुणनफल। ठीक है, कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन ले लोगे, उसके बाद इसके क्या कर लोगे, गुणनफल। इसी प्रकार से तो जो पहले आएगा वो मान लोगे संभावित लंबाई, संभावित चौड़ाई और संभावित ऊंचाई। इस प्रकार से इसके सेकंड पार्ट स्वयं करो, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। जो भी आपके इसमें डाउट है वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।